भैया आज तो ये लोग भी सोच रहे होंगे अमृता को देखकर कि कैसे मुझे तुम मिल गए, हमने ऐसा क्या किया था कि आपने ये गलत किया, आपने अमृता के चरित्र पर सवाल उठा दिया। एंड व्हाट मेड यू थिंक कि आप ऐसा करेंगे और वो आपको ऐसे ही निकल जाने देने वाली है। उसके बाद हमारी इस नारी ने क्या तबला बजाया, मतलब फॉर ऑल दोस पीपल उनको जिनको लगा कि अमृता तो अबला नारी है, भैया क्या तबला बजाया, कमाल है। थोड़ा नाटक मेरे सामने मत कर। अरे नहीं मैं, अच्छा हुआ तुम आ गए यार, ये देखो ना कितना पेन हो रहा है मुझे। और ये कि क्या लड़की है, इसकी क्या दुश्मनी है, आई डोंट नो यार। ये हुआ क्या बोलेगा? अरे यार विराट, मैं थोड़ा सा अकेला रहना चाहता था, मैं यहाँ आके बैठा और ये लड़की सामने से आई। और यार तूने इस जैसी लड़की को जॉब पे क्यों रखा है वो मुझे तू बता। इस जैसी लड़की? अरे इस जैसी मतलब कैरेक्टरलेस गिरी हुई लड़की है। मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठाने से पहले सबको ये बताओ कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया था। अरे झूठ बोल रही है, थप्पड़ इसने मुझे मारा। ये देख पंडित जी, ये देखिए मम्मी, ये देखो। क्या? मैंने हाथ उठाया उसको, लेकिन पहल मैंने नहीं की थी, उसने की थी। खुद को बचाने के लिए हाथ उठा रही। अरे विराट मैं क्या करता यार, देखो पता है मुझसे चिपक रही थी। She was coming so close to me, मैं अनकंफर्टेबल हो गया। अब निमी के साथ शादी हो रही है मेरी, शी इज माय फियांसे, और मैं ऐसे सब चीजें कैसे अलाउ करूं? तो मैं हाथ उठ गया। दीदी स्वीटी यू नो विराट, मैं उस टाइम पर लड़का नहीं हूँ। I love you and just you, sweetheart. You trust me, right? हे कितना गिरा हुआ है ये इंसान। एक तरफ तो विराट की बहन के साथ सगाई करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमृता के साथ छेड़खानी कर रहा है। अब अमृता कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है कोई भी गलत हरकत, तो ऐसे में उसने आवाज उठाई। मेरे कैरेक्टर पे कोई सवाल करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और किस नहीं, और मैं क्यों करूंगी ये सब? मैं अपनी जॉब क्यों रिस्क पे डालूंगी सर? और आपने कभी देखा है मुझे इससे बात करते हुए, इसके आसपास भी जाते हुए? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें या किसी और में। विराट और घर वाले सब पहुंचे। किसी को तो कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। अब दरअसल हुआ कुछ यूं कि जनाब चाहते हैं कि अमृता उसके साथ रिश्ता रखे। जब अमृता ने अपना बचाव किया और जोरदार थप्पड़ जड़ा, तब जाके इस इंसान की आंखें खुल गई। अब घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती हो, वो एक घटिया इंसान है, इसके बारे में पता चले, इससे पहले उसने अमृता को ही गलत साबित कर दिया। अब अमृता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने चरित्र पर सवाल बिल्कुल नहीं। और इस बात को तो विराट भी अच्छे से समझता है। अरे विराट मैं क्या करता यार, देखो पता है मुझसे चिपक रही थी। She was coming so close to me, मैं अनकंफर्टेबल हो गया। अब निमी के साथ शादी हो रही है मेरी, शी इज माय फियांसे, और मैं ऐसे सब चीजें कैसे अलाउ कर सकता हूं? मैं हाथ उठ गया। विराट के घर की औरतें भी अमृता को ही सुना रही हैं। कम से कम एक औरत को तो दूसरी औरत को समझना चाहिए ना। नो 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 दिलदार जी, दिस इज नॉट ओके। अब बात हद से आगे बढ़ गई है, और इस लड़की की हिम्मत भी, हिम्मत नहीं बेशर्मी, बेशर्मी बोल ना, कटाने वाली बेशर्मी। अब मामला तो बिगड़ते ही जा रहा है, इसे सुलझाने के लिए विराट ने पहल की है, और साथ ही अंकल जी ने भी, जो अमृता को समझते हैं, जानते हैं। आपने कभी देखा है मुझे इससे बातें करते हुए या इसके करीब भी जाते हुए? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें या यहाँ किसी और में। ए डोंट लाया, तुम ये सब नाटक मत करो रोने का। तुम रुकी थी इस मौके के लिए, तुमने मुझे अकेला देखा इसलिए तुम आ गई। राजीव राजीव रिलैक्स, जस्ट काम डाउन ओके। आप सब लोग एक काम कीजिए, आप सब लोग बाहर जाइए। आई एम श्योर इट्स अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं सब सब सॉल्व करके बाहर आता हूं। अब सोचिए जब विराट को सच का पता चलेगा, तब क्या वो अपनी बहन का रिश्ता ऐसे घटिया इंसान के साथ होने देगा? फिलहाल सीरियल की कहानी में यही तो होता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए खलनायक को हमेशा बचा लिया जाता है, लेकिन अमृता छोड़ेगी नहीं, वो अपना हिसाब किताब खुद ही चुकता कर लेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।